की दिख रही है। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत पन्ना प्रमुखों की तैनाती के बाद बीजेपी अब नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है। 15 सितंबर के बाद से विशेष सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस अभियान की शुरुआत खुद गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी के 4 करोड़ नए सदस्य की यहां पर बात की जा रही है। अब नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की जो कवायद है वो शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी लगभग 2.5 करोड़ सदस्यों के अलावा नए 1.5 करोड़ सदस्यों को जोड़ा जाएगा, यानी पार्टी के लक्ष्य 4 करोड़ सदस्य के साथ है चुनावी मैदान में उतरने का है। आपको बता दें कि बीजेपी के 4 करोड़ नए सदस्य बीजेपी के 4 करोड़ नए सदस्य की यहां पर बात की जा रही है। माइक्रो मैनेजमेंट के तहत चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पन्ना प्रमुखों की तैनाती के बाद ये नया प्लान जो है वो देखने को मिल रहा है। अब नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का विशेष अभियान चलाएगी बीजेपी। 4 करोड़ सदस्यों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता घनश्याम चौरसिया हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी घनश्याम, 4 करोड़ सदस्यों के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरने की तैयारी में है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, अभी आगामी 15 जो सितंबर से ही वो अपनी अभियान की शुरुआत कर देंगे और चुनाव के पहले यानी जब तक घोषणा होगी उसके पहले ही लगभग 4 करोड़ सदस्य पूरे कर लेंगे ताकि वो उनको चुनाव में जब सबसे पहली बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार सदस्यता अभियान चलाती है। इसके पहले भी पहले मिस कॉल सर्विस से, उसके बाद आप मैसेजेस से और उसके बाद आप पर्ची से बूथ स्तर लेवल पे वो सब पिछले दो चुनाव जब से अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तब से लेकर के आज तक ये मुहिम हमेशा चलाते रहते हैं कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए। ये सदस्यता अभियान से ही सबसे पहले ही 4 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ ऐसे इनके आंकड़े होते हैं, 2-2.5 करोड़ से कम नहीं होते हैं, जिससे पहले से ही ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेते हैं। विपक्ष पहले ही धराशायी हो जाता है कि इतने ज्यादा सदस्य वो उत्तर प्रदेश से ही हैं सदस्य, तो कहीं ना कहीं ये उनके खुद के वोटर बन गए। अगर एक परिवार का एक सदस्य तो 2.5 करोड़ लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट हो जाता है एक सदस्य तक करने के लिए। बीजेपी एक बड़े सॉफ्ट चाल चलती है एक बड़े तरीके से। अब इतना बड़ा ये इवेंट्स कर देगी, इस सदस्यों को जोड़ने के लिए इतने बड़े प्रोग्राम्स कर देंगे कि उसी में जो है कहीं ना कहीं विपक्ष सकते में आ जाती है। पहले के ही 2.5 करोड़ ऑलरेडी इनके पास है, फिर से 1.5 करोड़ नए जो है सदस्य बनने की कवायद कर रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। और उसके बाद की बात अगर हम उसके बाद की बात करें तो जिस तरीके से वो प्रवक्ता बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विजय बहादुर पाठक ने साफ तौर पे उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया उन्होंने कहा है कि ये प्रबुद्ध वर्ग के भी लोग होंगे, पिछड़ी भी होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग होंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सर्व समाज के होंगे, यानी ये जो सदस्यता का इनका अपना जो मुहिम है उस मुहिम में सारे समुदाय के होंगे, सारे धर्म के होंगे, वो सबको वो रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऐसे में सबको जोड़ करके वो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की दिशा में एक बड़े कदम फिर से लकीर खींचने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब 2014 के पहले मिस कॉल अलर्ट के तहत उन्होंने मैसेजेस के तहत उन्होंने सदस्यता अभियान जोड़ो जारी किया था, उसके बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी ने। और नतीजा ये रहा उत्तर प्रदेश की सारी सीटें 3-4 सीटें को छोड़ करके सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश का, सबसे जहां पे सबसे ज्यादा जो सांसद की सीटें हैं वो सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ चुकी है। उसके बाद जो है जिस तरीके से 2017 के चुनाव में वो पूरी तरीके से जीत हासिल की और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से वो बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने, तो उसे साफ जाहिर है कि यहाँ पे सदस्यता अभियान इनका जोरों पे रहता है। किस तरीके से लोगों को जोड़े, किस तरीके से लोगों को अपने पाले में लाए, अपनी बातों को समझाए, वो साम नाम दंड वेद
जो है डिजिटल और ऑफलाइन ऑनलाइन सारे उन जो है सोर्सेज का यूज भारतीय जनता पार्टी कर लेती है, जिससे वो जोड़ने में कामयाब हो जाती है और नतीजा उसके फेवर में जो है वोटिंग होने लगते हैं उसके फेवर में, और विपक्ष पहले ही से जो मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाकर विपक्ष पे हावी हो जाती है, ताकि उनको लगता ही है कि हमारे पास इतने सदस्य हो गए हैं, हमारे पास इतने मेंबर है, हमारे पास इतने कार्यकर्ता है, तो सिर्फ यही सदस्य कार्यकर्ता दे दे तभी भी हम बहुत सारी जीत लेते हैं, बाकी मोदी जी का भाषण काफी होता है उनपे हावी होने के लिए। इसलिए ये एक बड़ा मुहिम है 15 सितंबर से जो जेपी नड्डा के इस जो अभी कल जो है बूथ अभियान जीत बूथ अभियान का इन्होंने जो शुरुआत किया था उसमें ये निर्णय लिया गया कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा, किस तरीके से लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी से जो लोग भी अभी तक कहीं ना कहीं नाराज थे उनको कैसे किस तरीके से मनाया जाएगा, उसकी ये कवायद है। जी बिल्कुल घनश्याम जी, अगर बीजेपी के मैनेजमेंट की बात करें, जिस तरीके से चुनाव आते हैं और बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन अब यहाँ पर माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अब बीजेपी चुनाव लड़ने की कवायद में है, तो ये कितना कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, ये मैनेजमेंट वो होता है भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व या फिर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश जिस भी प्रदेश में जो चुनाव होता है, जब वो मैनेजमेंट अपना जो है स्ट्रेटजी बताती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो केंद्रीय नेतृत्व जो है निर्णय होता है। मिनी मैनेजमेंट ये जो है माइक्रो मैनेजमेंट ये इनका ये है कि आप लोकल लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ के विधायक, यहाँ का संगठन मंत्री, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कर सकता है, वो छोटे छोटे जगहों पे जाकर के लोगों को जोड़ने की कवायद करेंगे, वो वहां उन गांवों में जाएंगे, पन्ना प्रमुख बनाएंगे, गांव के अध्यक्ष बनाएंगे, गांवों में जो है वो अध्यक्ष बनेगा तो जाहिर सी बात है उपाध्यक्ष होगा, महामंत्री होगा, यानी उसका ये कर एक संगठन 20-22 लोगों का है तो गांव में ऐसे ही लोगों का, और एक पन्ना प्रमुख के अंदर जो है 60 लोगों को जोड़ने की कवायद है, मतलब ये पूरे के पूरे 60 लोगों को एक पन्ना प्रमुख को जिम्मेदारी दी गई है, तो एक गांव में कितनी वोटें होती है, और ऐसे गांवों में ग्राम सभा में जो है ऐसे बहुत ऐसे ग्राम सभा में जहां पे 1000-2000 वोटें ही होती है, तो आप बताइए कि जब 60 वोट एक पन्ना प्रमुख तो 10 पन्ना प्रमुख 600 वोट हो गया, तो ऐसे में जो है उन सारे लोगों को माइक्रो मैनेजमेंट के तहत उन सारे लोगों को जोड़ने की कवायद है, और ये कहीं ना कहीं जब ये इस लेवल पे काम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है केंद्रीय नेतृत्व का जो मैनेजमेंट है उस पे उस खाके में बहुत बेहतर तरीके से वो फिट बैठेगा, ताकि वो बेहतर तरीके से लोगों को जोड़ सके, और ये असफलता अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को इससे नहीं मिली है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि साफ तौर पे ये किसी की अच्छाई और बुराई बताने का नहीं, अगर ये जमीनी तहकीकात की जाए, अगर जमीनी हकीकत बताया जाए तो यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं मैनेजमेंट के चलते अभी तक सारी सीटें पाई हैं, अभी तक जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है चाहे वो 2014 हो, 2019 हो, अभी जो 2017 का जो उत्तर प्रदेश की सरकार चली जो अभी खत्म होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसी मैनेजमेंट से वो सफल हुई है, यहाँ के लोग उससे जुड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सफलता है, एक सफलता की कुंजी है कि और सदस्यता बनाना, एक तो ये अपना कोर वोटर तय कर लेना कि ये हमारे कोर वोटर हैं, चाहे वो किसी धर्म समुदाय जाति का हो, उसके अलावा भी जो है कहीं ना कहीं